आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल एवं आरटीआई विंग के प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह के नेतृत्व में स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय धरना दिया गया। आम आदमी पार्टी के दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने स्मृति नगर चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए गलत तरीके से स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल समिति के अध्यक्षता प्राप्त करने एवं यहां की जमीनों को अवैध रूप से खरीदी बिक्री करने का आरोप लगाया। साथ ही स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल समिति के सदस्य के लिए समिति में जमीन होना जरूरी होता है और राजीव चौबे के पास समिति के अंदर जमीन भी नहीं है। बावजूद इसके राजीव चौबे स्मृति गृह निर्माण मंडल समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं, यह भी कहना है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत काफी समय से इस पर काम किया जा रहा था। स्मृति नगर गृह निर्माण समिति भ्रष्टाचार के बहुत सारे कांड किए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला तो ये पाया कि स्मृति गृह निर्माण समिति के जो तत्कालीन अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय थे, उन्होंने एक कार्ड को दो बार बेचा, वर्ष 2005 में बेचा। इसके अलावा आप सोचिए ईडब्ल्यूएस की जमीन, ईडब्ल्यूएस की जमीन के ऊपर निगम का हक होता है। हमारा सवाल है कि स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के द्वारा खुली भूमि, ईडब्ल्यूएस की भूमि, सड़क की भूमि को बेच दिया गया है। जब से छत्तीसगढ़ बनाए, प्रथम महापौर नीता लोधी मैडम, विद्यारतन भसीन जी, निर्मला यादव मैडम, देवेंद्र यादव जी और वर्तमान में नीरज पाल जी, क्या ये जमीन अगर उनकी अपनी होती तो छोड़ देते क्या? और समस्या ये है कि कहीं पे भी कलेक्टर साहब को शिकायत करो, सहकारिता विभाग में दुर्ग में उपपंजीयक को शिकायत करो, संयुक्त पंजीयक का शिकायत करो, सब मिले हुए हैं, सबका संरक्षण प्राप्त है। स्मृतिगत निर्माण समिति के संचालक गणों को, राजीव चौबे को जो अध्यक्ष है वर्तमान में, आप सोचो यहाँ पे सदस्यता तब मिलती है जब आपके पास प्लॉट हो। राजीव चौबे 2009 में अपना प्लॉट बेच चुके हैं, फिर भी उसके पास अध्यक्षता रहती है, सदस्यता रहती है। वर्ष 2010 में दूसरा प्लॉट खरीदते हैं। सहकारिता का एक नियम है कि कम बजट में एक आम आदमी को आशियाना मिल सके, लेकिन इन्होंने सहकारिता की परिभाषा ही बदल दी। सहकारी यहाँ की जमीनों को खरीदी बिक्री प्लॉट की दुकान बना दी, और 10 वर्ष के अंदर अगर आपको प्लॉट बेचना है तो आपको संस्था को सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन सरेंडर नहीं करते हैं, ये खरीदी बिक्री करके मुनाफा कमाते हैं। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आज हम लोगों को जनता के दरबार में आना पड़ा और मुख्यमंत्री जी को। इसके पूर्व भी स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे पर अनेकों आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। बावजूद इसके राजीव चौबे स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल समिति के अध्यक्ष पद पर काबिज है। इस बार आम आदमी पार्टी ने राजीव चौबे द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों को उजागर करने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लिया है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाती है और जो भ्रष्टाचार का आरोप राजीव चौबे पर लगा रही है उसे किस तरह से साबित कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।